दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलन के स्पेशल एपिसोड 216 पर। ये वीडियो सिर्फ नोर पर बेस्ड होगा। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में तांग गाव और तांगसन को दिखाया जाता है। तांग गाव तांगसन से पूछता है कि क्या तुम एक काम करने के लिए श्योर हो, क्या तुम अपनी माँ ह्यूमन बॉडी में वापस ला सकते हो, इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना। तांगसन इस पर कहता है आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन में ये कर सकता हूँ, इसमें माँ को कोई नुकसान नहीं होगा। इन दोनों की बातें सुनकर आयन तांगसन से कहते हैं कि लिटिल सन तुम मुझे ठीक करने में मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी, मुझे ठीक करते हुए तुम्हें कुछ लक्षण तो नहीं होगा ना। ऐसा हुआ तो मैं नहीं तो तुम मुझे रिवाइव करो, मैं इसी तरह के रहना पसंद करूंगी। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया तुम कैसे बड़े हुए, तुम अपनी लाइफ को बहुत ही मुश्किल से गुजारा है, हम तुम्हें इस दुनिया में लेकर तो आए मगर हम दोनों अपनी कर्तव्य पूरा नहीं किया, तुम अपनी बचपन की लाइफ को बहुत ही मुश्किल से गुजारा है, मैं पहले काफी ज्यादा दुखी हूँ, मुझे रिवाइव करते वक्त तुम्हें कुछ न हो जाए, कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसके साथ टैंक्स उससे कहता है माँ ऐसा मत कीजिएगा, जब मैं छोटा था तब मुझे दूसरी बच्चों को देखकर की माँ होती थी, उसे देखकर मुझे जलन होती थी, मुझे आपकी प्यार चाहिए थी, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, आप मुझे दुनिया में लेकर आए, यही आपका सबसे बड़ा उपकार है जिसको मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा, आपने मुझे जीवन दिया है, आप चिंता मत कीजिएगा, आपको रिवाह करते वक्त मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे करने दो माँ, हमारे परिवार एक साथ खुशी से रह सकते है और मैं और इंतजाम नहीं करना चाहती हूँ। ये सब बातें सुनकर आयन पूरी तरह से साड़ हो जाती है और हम देखते कि तांग हो तांगसन से कहता है ऐसे बातें मत करो, हमें और ज्यादा दर्द मत दो। इस पर तांगसन सिर हिलाते हुए अपनी माँ को देखते हुए कहता है मैं अब शुरू करने वाला हूँ, माँ आपको बस दिमाग को खुला है और उस एनर्जी को पेल करना है जो मैं आपके तक पहुँचाता हूँ, मैं आसपास की एनर्जी को भी उसमें मिक्स करके आपको दूंगा। ये कहकर तांगसन अपने ब्लू सोल एम्प्रेक को एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ ही ब्लू सोल डोमिन को भी एक्टिवेट कर लेता है जिसमें ब्लू गोल्डन लाइट फ्लैश हो रही होती है। ये लाइट तांगसन की बॉडी में से आ रही होती है। उसी समय में ब्लू सोल अवतार के इफेक्ट में ब्लू सोल डोमिन तेजी से एक्सटेंड होने लगे, ये पूरी तरह से फैल जाता है, ये हर जगह हर साइड पर और हर जंगल में फैल जाता है। और उसके साथ ही हम देखते हैं अब तांगसन के माथे पर सी गोल्ड प्लस हुई और उसके साथ ही उनकी बाउंडलेस एनर्जी ब्लू सिल्वर डोमिन में मिक्स हो गए। तांगसन की ब्लू सिल्वर एम्पायर की एनर्जी आयन की चारों तरफ घूम रही होती है और उसके साथ ही आयन तांगसन से पूछते हैं लिटिल सन तुम्हारा ब्लू सिल्वर डोमिन पहले पीक लेवल तक पहुंच गया क्या। जिस पर तांगसन ने हां कहकर सिर हिलाया। उसके साथ ही कहता है माँ मैं जो एनर्जी तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें उसे ऑब्जर्व करने में ध्यान दो। उसके साथ ही ब्लू सिल्वर डोमिन का कलर पूरी तरह से चेंज होकर ओशियन ब्लू में दिख रही होती है। सनसेट पर की हर जगह पर ब्लू सिल्वर ग्रास दिख रही होती है। जंगल के बीच प्रत्येक ब्लू सोर ग्रास ओशियन ब्लू में मिक्स हो गए, सॉफ्ट गोल्डन निभकर गई और जंगल के बीच में आइस एंड पैर के लिए फॉरेस्ट के पास ब्लू सोर एम्पायर टैंगसन की फर्स्ट कंडेंस होती है। ये टैंगसन की ब्लू सोर डोमिन की पाइनन इनवॉल एबिलिटी होती है और इसके साथ हम देखते हैं ऑल रिवर रन इनटू द सी एक्टिवेट हो जाता है। उसके साथ ही ब्लू सोर डोमिन की स्थिति तक पहुंचने के लिए ग्रैंड सोल मास्टर तक बनना आवश्यक था। अब टैंगसन ग्रैंड सोल मास्टर बन चुका है तो उसकी डोमिन पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर पाइनन स्टेज तक पहुंच के होती है। ये ब्लू लाइट टैंगसन से आयन तक जा रही होती है। ये एक प्योर ब्लू सोर एम्पायर की एनर्जी होती है, ये आयन के लिए सबसे बेस्ट है। अभी के लिए टैंगसन जंगल में उगे ब्लू सोर ग्रास की एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। इन सब एनर्जी को अपनी माँ के कल्टीवेशन में दे रहा होता है। टैंगसन अपनी माँ को जब तक एनर्जी देना होगा तब तक माँ की पावर टैंगसन की पावर के बराबर ना हो जाए। उसके साथ ही हम देखते हैं इस ब्लू लाइट के कारण आयन की बॉडी तेजी से बढ़ रही होती है। आयन को भी महसूस हो रहा था कि उनकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही है। उसके साथ ही हम देखते हैं आयन थोड़ा उदास होती है क्योंकि उनके रिवाइव करते हुए टैंगसन को कुछ ना हो जाए और उसके साथ ही हम देखते हैं टैंगसन की सी गॉड टाइडन जेमी के ऊपर आकर करता है। फिर से सी गॉड लाइट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टैंगसन की ब्लू सोल डोमेन पूरी तरह से गोल्डन कलर की हो चुकी होती है। अब टैंगसन इससे अपनी माँ को ह्यूमन बॉडी में ला सकता है। उसके साथ ही हम देखते हैं आयन इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही होती है। अब टैंगसन सनसेट फॉरेस्ट की सभी एनर्जी को अपनी माँ के कल्टीवेशन में दे रहा होता है। अब तांग हाओ और शाउद ये देख रहे होती है कि आयन की कल्टीवेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब तांग हाओ पूरी तरह से उदास होता है, उनकी आंखों में आंसू आ रही होती है। दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहाँ पर कम्प्लीट होता है। यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।